कमांड नहीं भाई कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सिंपल अंकल तो खुद बना रहे हैं यहाँ पे, कुकिंग कर रहे हैं, सोचो। नहीं तो बंदा बोले भाई तुम मेरे लिए बनाओ, अंकल कह रहे मैं बना के खिलाऊंगा तुम्हें बढ़िया चीज, नेक्स्ट लेवल वाली। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी सर प्लीज। मैंने किसी को कॉल की थी, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, प्लीज है। प्लीज प्लीज सर, आप दिल खोल के बोलिए, आज तो हमारे दिल के अरमान जा रहे हैं। यार मेरी ना कैंपिंग की इच्छा है, ठीक है, उनका थोड़ी देर बाद कॉल आया, ठीक है, हम कैंपिंग करने जा रहे हैं, मैं कोई चार्जेस कहते 9,000 रुपए। अरे सर, और यहाँ कितने चार्जेस लगे सर, ट्रैवलर होम के साथ क्या चार्जेस लगे सर? सब्जी भी खुद बना के खिला रहे हैं। अच्छा सर, दिस इज द क्वालिटी ऑफ ट्रैवलर्स होम भाई। हाँ जी, उन्होंने एन नोन 9,000 रुपए कहा था या 9,000 रुपीज कहा था, यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता है। हो सकता है। यार इनका टेस्ट ये फाइनली आसिफ भाई कर रहे हैं मेहनत तगड़े लेवल पे। आसिफ भाई क्या चाह रहे हो तुम? मतलब यार भाई मैरिनेट हो गया पूरा चिकन भाई, ये देखो भाई साहब, अंकल बोलिए तो वो सुन के आ गया वीडियो में, चले बोलिए मैं अगली बार अंकल ना मैं यही कूटूंगा आगे। अब तो हमें बहुत सारी ट्रिप करनी है आपके साथ। और भाई यार देखो जामिया से हूं मैं। ऐसी सुजू किसी ने नहीं दिखाई होगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल यार, ये मैं कह सकता हूँ भाई, ओनली वन इन इंडिया। चैनल का नाम बताओ सर जल्दी से फटाफट। एक्सप्लोर द लैंडस्केप। क्या बात है भाई, तो जाके सब्सक्राइब करो। और अंकल है यहाँ पर हमारे साथ। क्या बात है अंकल, क्या बात है। ये एनसीटीवी सर, नमस्कार, बहुत बढ़िया मजा आया। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ आओ, शक्ल पूरी आएगी। तो सेठी सर से मुलाकात हुई, बहुत सुना था सर से इनके बारे में, और फाइनली आपने आके सरप्राइज दिया ही हमें। हमें उम्मीद नहीं थी आप यहाँ आओगे। तुम्हारे ना कॉपीराइट आने वाले पीछे से। कोई बात नहीं सर, कॉपीराइट चैनल वीडियो चलनी चाहिए, कॉपीराइट मैटर नहीं करता, पैसा मैटर नहीं करता। कोई नहीं बनाएगा। और भाई भाई और का सेटअप दिखा देता हूँ, पूरा भैया ने मेहनत करके पनीर रख दिया यहाँ पर, और नई गाड़ी ली इन्होंने, उसके लिए भाई कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। और ये देखो भाई पूरा पनीर मैरिनेट करा, उसके बाद जो होगा फिर हम टेस्ट करेंगे। दिखाते हैं आपको, यहाँ पर बन रहा है बिल्कुल तरीके से ऑमलेट बन गया, अभी और बन रहा है, धीरे धीरे सारी चीज़ें बन रही हैं। क्या बात है। और भाई सेटअप में कोई कमी हो तो प्लीज़ बताना कमेंट पे। अभी तक का सबसे बेस्ट सेटअप यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और भाई ने तो खाना भी खा लिया, मुझे लग रहा है खा लिया भाई। अभी खाना नहीं है, सेट खाना बन चुका है बस, अब खाने की देरी है, थोड़े टाइम में खाएंगे पूरा सेटअप। भाई ने टेंट वेंट पूरा लगा दिया, ये देखो भाई, ये देखो। तो गाइज आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा, अभी पूरा खाना बनाते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमने बनाया, और उसके बाद फिर अगला व्लॉग कल मॉर्निंग में आपको दिखाएंगे। अभी डांस वांस होगा, बहुत कुछ होने वाला है। बन रहा है यहाँ पर पनीर टिक्का, पूरे तरीके से प्रिपेयर कर दिया भाई ने, क्या जबरदस्त लग रहा है देख सकते हो। पर भाई जब ये बनेगा तो टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना है। और पाला चिकन, क्या बात है, इसे बनने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत जबरदस्त भाई। हवा सही चल रही है, पंखे वंखे ले लिए, और यहाँ पर बन रहा है भाई पनीर टिक्का। लो ये लो जी, बिल्कुल गरम गरम बिल्कुल रेडी है, और अब हम टेस्ट करके बताते हैं आपको। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, नेक्स्ट लेवल पनीर टिक्का, ये आया मज़ा, एकदम गरम है, टकाटक वाला, बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट। सेटअप कंप्लीट हो चुका है, और रात को बन रहे हैं हमारे लिए स्पेशल भाई, ये क्या बन रहा है, चिकन टिक्का, जबरदस्त मैरिनेट करके बिल्कुल। कैसा बना है भाई जान? बहुत ही बढ़िया भाई साहब, बहुत तावड़ तोड़ है। क्या बात है भाई, मजा नहीं आया तो पैसे वापस। क्या नाइट कैंपिंग के पैसे वापस है, क्या बात है। अपनी आंखों में बसा के कोई इकरार करूं, मैंने कब तुझसे जमाने की खुशी मांगी है। क्या बात है गाइस, एक हल्की सी मिर्ची और नमक, मिर्ची नमक के साथ में। यार देखो 3 किलो चिकन हमारे पास है, और उसके हिसाब से भैया ने
So guys, आप लोगों ने देखा अभी तक का पूरा प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से गया भाई। ये नाइट कैंपिंग जो करनी थी ना भाई, इसका एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी था। यहाँ पर बहुत सारे व्लॉगर्स आए हैं जिन्होंने अपना अपना पूरा सेटअप बनाया। टिक्का यार इनका टेस्ट ये जब इसको आपका कोई चैनल यूट्यूब पे मेरा यशविंदर सेठी के नाम से। तो भैया जाके चेक करो, ऐसी सुजुकी किसी ने नहीं दिखाई होगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल यार, ये मैं कह सकता हूँ भाई ओनली वन इन इंडिया। और ओनिंग के साथ में आप देखिए अगर रेंज में बहुत जबरदस्त है तो इट कैन वर्क परफेक्टली। सर सारा सेटअप आपने अपने तरीके से सोच समझ के पूरा प्लान करके करा। बेसिकली आई एम इंटीरियर डिजाइनर तो मैंने खुद ही डिजाइन किया। क्या बात है भाई, देखो ये चीज होती है भाई, मतलब ट्रैवलर्स रूम के पास आने के बाद दिख रही है वो कितना मेहनत किया है। वॉशेबल पूरा वॉश बेसिन टाइप सब कुछ बना रखा भाई इन्होंने। ये चल रहा है फ्रिज जिसमें ठंडा रहेगा, अपना टेम्परेचर पूरा बरकरार रहता है, पानी वानी सब पूरा पानी के लिए। यहाँ पर देखो एक ये बहुत अच्छा इन्होंने सेटअप ले रखा है, पूरी बॉटल बिसलेरी की पानी पे। ये मेरा फर्स्ट टूर है अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट है और छोटू मास्टर फुल बिजी विद फाइनल सेटअप हमारी ट्रैवलर्स होम की, जिसका म्यूजिक इवनिंग के साथ हम लेने वाले मजे। तो जल्दी दिखा रहे हैं आपको गाने वाने सब। ये फुल चार्ज हुआ है, अंकल का इन्वर्टर दिखा रहे। तो गाइस सबसे स्पेशल चीज जो मैंने तुम्हें अभी तक दिखाई नहीं थी, ये इन्वर्टर है जिससे हर चीज चल रही है। और अंकल ने अपने लिए पंखे का जुगाड़ कर रखा है पूरा पूरा जो सेटअप है ग्रुप का। और ये रहा सिलेंडर और ये रहा पूरा का पूरा इसके साथ का पूरा तामझाम। अंदर पूरे दो इन्वर्टर रखे हैं। देखो भैया पनीर टिक्का बन रहा है हमारा और ये खाएंगे हम लोग। आप मेहनत नहीं करते तब भी खाते। तो भैया सोने की हो रही है तैयारी उन फॉर्म में, इसमें आएगी बिल्कुल जहरीली नींद। मुझे सच में नहीं पता, फिर भी मैं टाइम दिखा देता हूँ भाई, 11:40 और ये माहौल है। और इस चाप की रेसिपी ना यार वही जान सकता जो खा सकता, और हम सब ने खाई है। और कैसी बनी है ये बताओ, एक नंबर। ये है भाई चापे अंकल की, जिसे कहते हैं वेज मुर्गियां। अंकल ने सारी पकड़ के यहीं पे लगा दी हैं। हो जाएगा स्पेशल है। जल गया भाई, देखो कितना मजेदार। और टेम्परेचर इस वक्त हो चुका होगा आराम से 15-16, बहुत ठंडा भाई, मजा आ गया सीरियसली। वो तो एक ह्यूमन नेचर है। और बातें चल रही हैं नेक्स्ट लेवल वाली। ये सिर्फ मेरे दो जब मैं टेस्ट जो किसी ने सपने में भी नहीं सोची होगी। और अंकल कह रहे हैं ये तुम खाओ चिकन है जबकि ये वेज है, वेज चिकन है, ये वेज चिकन अंकल। तो भाई नाइट कैंपिंग के अगर कुछ ऐसे नज़ारे और ऐसे मज़े लेने हैं ना आप लोगों को, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी गाड़ी में रूफ टॉप टेंट हो और आप उसका लुत्फ उठा सकें, सो कम टू ट्रैवलर जोन। कॉन्टैक्ट करो अंकल को, ध्रुव भाई को, ये सबसे इजी प्रोसेस वे बताते हैं आपको कैंपिंग का। क्या अंकल आपको कोई प्रॉब्लम आई कैंपिंग में? कुछ भी डिमांड नहीं भाई कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सिंपल अंकल तो खुद बना रहे हैं यहाँ पे, कुकिंग कर रहे हैं। सोचो नहीं तो बंदा बोले भाई तुम मेरे लिए बनाओ, अंकल कह रहे मैं बना के खिलाऊंगा तुम्हें बढ़िया चीज नेक्स्ट लेवल वाली। मैं एक बात कहना चाहता हूं। जी सर प्लीज। मैंने किसी को कॉल की थी, ठीक है मैं नाम नहीं लूंगा, प्लीज है। प्लीज प्लीज सर आप दिल खोल के बोलिए, आज तो हमारे दिल के अरमान जाग गया था यार, मेरी ना कैंपिंग की इच्छा है। ठीक है, उनका थोड़े दिन बाद कॉल आया, ठीक है हम कैंपिंग करने जा रहे हैं, मैंने कोई चार्जेस कहते 9,000 रुपए। अरे सर और यहाँ कितने चार्जेस लगे सर, ट्रैवलर्स होम के साथ क्या चार्जेस लगे सर? सब्जी भी खुद बना के खिला रहे। अच्छा सर, सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ ट्रैवलर्स होम भाई। 1000 सर आपके कैंपिंग के अरमान तो डूब गए होंगे बिल्कुल। पहले छोड़ो भाई, मैं 9000 रुपए का 4000 का डीजल डलाऊंगा क्रेटा में। नहीं मैंने कहा होटल लेके फिर मैं वैसे ही चले जाऊंगा, क्या करूंगा कैंपिंग का खर्चा नहीं यार। उसमें डीजल आपका खाना पीना सब कुछ वो मेरा था। अच्छा वो आपका ही था? वो मेरा ही था, वो मेरा था भाई। ये है ट्रैवलर्स होम की खासियत। और मैं तुम्हें माहौल दिखाऊंगा, यहाँ से दूर दूर तक देख लो, जितनी लाइटें तुम्हें दिख रही है ना दूर दूर तक की, ये सारी ट्रैवलर्स होम ने सेटअप करवाए हैं पूरे अपने वे पे। और कहो प्लीज अपनी एक बारी ये जरूर बता दी सर, थोड़ी सी सर थोड़ी सी प्लीज। 50 भाई उस टाइम पे ना मैं शायद मेरे ख्याल से चड्डी में होऊंगा, और उस लेवल पे टाइम पे अंकल ने लद्दाख मारा था शायद, राइट अंकल? वो भी कौन से स्कूटर पे? प्रिया
इंडिया पे, एलएमएल पे, एलएमएल पे और यामा पे, यामा पे। तब उस टाइम पे कुछ ऐसा साधन नहीं होता था, आज के टाइम पे कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं, टोल्स हैं, पुलिस की बैरिकेडिंग्स हैं, उसके बाद पता नहीं क्या क्या है, लेकिन उस टाइम पे अंकल कुछ होता था? बिल्कुल, बहुत ज्यादा उस टाइम पे भी रहता था सारा कुछ। उस टाइम इतना होता था कि मनाली में मुझे कई बार अरेस्ट करके लाए होगी वो और वो NEFT वाला केस बहुत जबरदस्त वाला NEFT अंकल ने फर्स्ट टाइम मंगवाई थी मनाली में, जो हमने बताया अंकल ने 90 डेज के लिए गया था जी, मैंने होटल बुकिंग करवाया 90 दिन के लिए मनाली में। अच्छा, इतना शौक था। क्या तो वहाँ के जो ऑनर है उन्होंने पार्टी रखी, वहाँ पे दिवाली थी, उन्होंने मुझे देखा कि ये रूम में बैठा हुआ है अकेला, वो कहते यार मैंने पता है कि आप लोग पटाखे बजाते हो, वो कहता आज रात को सारा पटाखे और जो खाओगे आप सारी डिशेज उसने सड़क पे लगवाई। अच्छा, तो रोड पे तो वहाँ पे इतना ढेर बोरा भर के पटाखे लाया, तो हमने खूब पटाखे फोड़े वहाँ पे, तो वो बड़ा वो खुश हो रहा था, वो कहता कि आज मनाली को पहली बार दिवाली मिली है। ये भैया को पटाखों का बहुत ज्यादा शौक है, बहुत ज्यादा शौक। अंकल ने फर्स्ट टाइम वहाँ पे फिर NEFT मंगवाई थी मनाली में उस टाइम पे। मैं बता दूं भैया से 4 साल छोटा हूँ। क्या बात है सर, देखो ये होता है एक्सपीरियंस, ये होता है प्यार अंकल का, और जिन्होंने हमें अपने साथ बैठा के इतना प्यार दिया। मेरी फिर भी नहीं पूछी अब हम समझ सकते हैं ना, आप फिर आप आ गए होगे 46 में हमने कैलकुलेशन कर ली, वो 50 क्या मैं 54 का आज माहौल भाई कुछ गर्म है, इस ब्लॉग को यही एंड करना पड़ेगा, नहीं तो भाई हमारी बेइज्जती होती रहेगी, हम कुछ ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। सर आपको कुछ कहना है? भाई ट्रैवलर्स होम के साथ आके ना मेरा ट्रिप कंप्लीट हो गया, सच बता रहा हूँ, मुझे किसी भी ग्रुप में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरा और भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़ गए ना भाई, सच बता रहा हूँ, नेक्स्ट ट्रिप्स बड़े खतरनाक और घातक होने वाले हैं हमारे, वो भी अंकल जी के साथ, और मैं तो अंकल जी के पास जबरदस्ती आ जाऊँगा ट्रैवलर जोन में उठाने के लिए, आपको चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप नहीं चले ना जबरदस्ती लेके चलेंगे हम तो पूरा प्लान है। तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, चाय खाते हैं और बंद हो गया। वैसे अंकल जी ने लक्ष्मण रेखा भी खींच रखी है जबरदस्ती के लिए। कल का जो सेटअप होने वाला है ना, ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, और जो कल का सेटअप होगा ना वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, अपना प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच गाइस, प्रीवियस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट करा है, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, एंड अंकल औरों के चैनल्स को सब्सक्राइब करें, इन्हें भी सपोर्ट करें, क्योंकि इनके चैनल्स पर ना वो रॉ चीज़ें हैं जो हम लोग भी चाह के नहीं डाल सकते भाई, मैं सच बता रहा हूँ।